ले। नमस्कार दोस्तों, यूं तो मैंने सरोकार के लिए हजारों साक्षात्कार किए हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। फिर भी दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, विश्व सनातन हिंदू संसद की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रोचिका अग्रवाल। यूं तो रोचिका अग्रवाल जी टीवी पे बहुत बड़े बड़े डिस्कशंस में भी हिस्सा लेती हैं, फिल्मों में भी उनकी रुचि है, अभिनय भी करती हैं, समाज सेवा भी करती हैं और ख़ास तौर से महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर बहुत ही अपनी प्रतिक्रिया देने में प्रसिद्ध हैं। रोचिका अग्रवाल जी से मैं जानना चाहूँगा कि नोएडा विधानसभा क्षेत्र संख्या 61 में राजनीतिक समीकरण किस तरह के हैं और वे कैसे व्यक्ति को जीतता हुआ देखना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार रुचिका जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि विश्व सनातन हिंदू संस्था जो है उसका मेन कार्यकलाप क्या? देखिए, मेन कार्यकलाप तो यही है कि हम लोग सनातन धर्म के लिए काम करना चाहते हैं। हम सनातन जितने भी हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनके लिए हम काम कर रहे हैं और उनसे जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, चाहे आप लव जिहाद की बात करें या भूमि अधिकरण की बात करें या फिर गौ रक्षा की बात करें, इस तरह के कई सारे मुद्दे हैं। हम लोगों ने एक मुद्दा उठाया हुआ है कि हम सरकार से हमारे मंदिरों को फ्री कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब और कोई भी हमारा पूजा स्थल सरकार की अंडरटेकिंग में नहीं है तो सिर्फ मंदिर ही क्यों? ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं आपसे इस पे सहमत हूँ, लेकिन इसी से जुड़ा एक सवाल मैं करता हूँ कि इस वक्त पिछले 7.5 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली NDA की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं और हिंदुत्व का परचम भी लहराते हैं, उनके होते हुए भी लाखों मंदिर जो हैं स्वतंत्र नहीं हुए हैं, हिंदू भाइयों को सनातनियों को नहीं दिए गए हैं, सरकार अपने कब्जे में लिए हुए है, ऐसा क्यों? यही परेशानी है, हम लोग इसी के लिए बात कर रहे हैं। हमारी लगातार हमारी चाहे पत्र व्यवहार हो या हमारी अपनी आवाज़ उठाना हो, हम लोग कई जगह पे मंदिरों में जाके हम लोगों ने बात भी की है, सरकार के पास भी पहुँचे हैं। कुछ मंदिरों को, जैसे श्री श्री रविशंकर हैं, उन्होंने साउथ के कुछ मंदिर को ले लिया है कि मैं इसको फ्री कराने की जिम्मेवारी लेता हूँ। हम लोग कोशिश हमारी ये है कि हम सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकें और उनसे ये कह सकें कि जिस तरह से बाकी और पूजा स्थल आपके अंडरटेकिंग में नहीं है, उस तरह से हमारे मंदिरों को भी फ्री कीजिए। क्यों मंदिरों का पैसा आज भी उन कार्यों में जा रहा है जिन कार्यों में हिंदू भाई बहन नहीं चाहते हैं? अगर ऐसा कुछ है, अगर वो जाना चाहिए दूसरे इंस्टीट्यूशन के पास, अगर उसकी हेल्प पहुंचनी चाहिए तो सभी पूजा स्थलों के साथ ऐसा होगा। एकदम सही। अच्छा, एक बात बताइए कि नोएडा में जो है भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, वहीं लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया ने ध्रुव अग्रवाल जी को चुनाव मैदान में उतारा, जो CA भी हैं, CS भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, इंटरप्रेन्योर भी हैं और समाज सेवक भी हैं और हिंदुत्व की बात भी करते हैं, आपके साथ भी उस अभियान में जुड़े हुए हैं। तो आप जो है इस विधानसभा क्षेत्र में किस व्यक्ति को जीतता हुआ देखना चाहेंगी और क्यों? देखिए, क्योंकि ध्रुव जी मेरे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं ध्रुव अग्रवाल जी, तो मेरा दिल की इच्छा यही है कि मेरे भाई पावर में आए, उनके वो जीते और साथ ही साथ में वो जो मुद्दे जिन पे काम कर रहे हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो हमारी, चाहे यहाँ महंगाई की बात हो, विकास की बात हो, उन मुद्दों पे बात करना बहुत ज़रूरी भी है। ये नहीं है कि हमारी भाजपा सरकार ने या वहाँ पर सेंटर में उन्होंने इन मुद्दों पे काम नहीं किया है, लेकिन शायद जिस स्पीड से काम होना चाहिए था और जितना ज़्यादा होना चाहिए था उतना शायद नहीं हो पा रहा है या हम लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं हो पा रही है। तो हमारी कोशिश यही है कि चाहे किसी भी पार्टी से हो, देखिए यहाँ पर पार्टी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कैंडिडेट की बात हो रही है। कैंडिडेट जो अच्छा काम कर सके अपने अपने एरिया को, अपनी लोकेलिटी को, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने नागरिकों के लिए अच्छा काम कर सके, उनको वो दे सके जो वो चाहते हैं, वही जीतना चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये लगाया जाए कि भाजपा, सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के मुकाबले में ध्रुव अग्रवाल का इंडिविजुअल के तौर पे एक व्यक्तित्व और कर्तित्व इन प्रत्याशियों से भारी है, इसलिए उनको जीतना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि
उनका जो कार्य, जो काम उन्होंने उठाया है हाथ में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उन चीज़ों पे शायद अभी कोई बात कर नहीं रहा है, लेकिन अगर उन पर मुद्दों पे बातचीत करी जाएगी तो और लोगों को समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि इन्होंने क्या मुद्दे उठाए हैं। अगर वो मुद्दों पे अगर लोगों को समझ में आ जाए तो ध्रुव भैया को ही जीतना चाहिए। एक सवाल और, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा और आम आदमी ये करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मीडिया में भी हाइप क्रिएट कर रहे हैं, जनता के बीच में इस तरह से जा रहे हैं कि जैसे सच्चे जनप्रतिनिधि वही होने वाले हैं या उन्हीं का हक है, और जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ऐसे में ध्रुव अग्रवाल जी जैसे लोग जो डोर टू डोर कंपेनिंग कर रहे हैं, वन टू वन मिल रहे हैं लोगों से, अपने विचार रख रहे हैं, उनकी जीत कैसे सुनिश्चित हो? आप जैसे लोग उसमें क्या सहयोग कर रहे हैं? देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ही रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, मैंने तो अपनी तरफ से वीडियोस भी बना के भेजे हैं, जितने भी हमारे जान पहचान के हैं, खासतौर से यहाँ पर नोएडा के निवासी जो हैं, उन लोगों तक पूरा मैसेज पहुँचाने की कोशिश की जा रही है कि जो सही है वो जीतना चाहिए, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में मे द बेस्ट मैन विन, वही होना चाहिए। क्योंकि लोगों को अपनी समझ है कि अब इतना जागरूक हो गया है हमारे हर भारतवासी, चाहे सिर्फ नोएडा के ही नहीं, बाकी ऑल ओवर इंडिया इतने जागरूक हो गए हैं कि उन्हें सब पता है, वो किसी की भ्रमित करने में नहीं आते। आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी तो वादे कर ही रही है, लेकिन ध्रुव अग्रवाल जी के जीतने पर क्या महिलाओं, बेरोजगारों, व्यापारियों, उद्योगपतियों, मजदूरों और किसानों का सही मार्गदर्शन होगा और उनकी समस्याओं का समाधान होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि उनका प्रोफेशन ही खुद ही ऐसा है। मैं भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर कहीं पर भी अगर जो फाइनेंशियल हेल्प होती है, एडवाइस होती है, उसके लिए मैं भैया से ही बात करती हूँ। तो जो जिसका प्रोफेशन होता है वो उस प्रोफेशन में पक्का होता है, वो प्रोफेशनल होता है वो उस चीज़ में। तो इसलिए भैया उस काम के लिए, ध्रुव अग्रवाल जी उस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, और शायद चाहे सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, बेरोजगारों के लिए भी, और हर उस इंसान के लिए जिसको अपनी कमाई की बात करनी है, अपनी अर्थव्यवस्था सुधारनी है, अपने घर में जो अनफॉर्चुनेटली जो कोरोना आया हमारे यहाँ 2 साल, और कोरोना की वजह से लोगों ने बहुत मार झेली है, उन सब चीज़ों को संभालने के लिए ध्रुव अग्रवाल जी से बेस्ट इंसान और कोई हो नहीं सकता। धन्यवाद।